ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्टार गोल्ड मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के बाद हमने देखा कि कल तकरीबन मार्केट क्लोज होने के बाद स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया कि 1% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में दाखिल हो रहे थे तो ये पॉजिटिव था, यानी कि क्योंकि IMF के प्रोग्राम जैसे नहीं होने वाला था, अब IMF की कंडीशन को मान के और IMF के करीब तर हो रहे थे, तो इसलिए इसका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने नहीं देखा। इस पर एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 100-200 पॉइंट माइनस करेगी और मार्केट फिर रिबाउंड कर जाएगी। कल आपको याद होगा कि वीलॉग के अंदर हमने आपको ये बताया था कि शॉर्ट ग्राफ स्लाइटली ओवरबोर्ड हो चुके हैं, शॉर्ट डिप आ सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू आपका तेजी का है। आज आपने देखा जब मार्केट का आगाज हुआ 5 पॉइंट के साथ, मार्केट 200 पॉइंट नेगेटिव तक भी गई, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट आपकी रिबाउंड हो गई और तकरीबन 169 पॉइंट का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया, 41,606 का मार्केट ने नया हाई लेवल ब्रेक किया और मार्केट क्लोज हुई 41,452 के करीब 15 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में भी हमने काफी बेहतरी देखी, 233 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। इसके अलावा आपने देखा कि जब मार्केट चल रही थी तो लास्ट में एक होल भी आया, उस होल की वजह क्या थी आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे कि प्रेशर क्यों आया था और मार्केट में फिर रिबाउंड क्यों देखा गया। इसके साथ ही जो वॉल्यूम लीडर्स है आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें बैंक इस्लामी, WTL, OGDC वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में रिफान मेज, महमूद टेक्सटाइल, प्रीमियम टेक्सटाइल टॉप गेनर्स। टॉप डिक्लाइन में बाटा बुनेरो टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, कॉलगेट पाम ऑलिव टॉप डिक्लाइनर रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आज भी टॉप पे रहे 120 पॉइंट प्लस, जबकि पावर जनरेशन, टोबेको, इंजीनियरिंग, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर आज माइनस हुए 61 पॉइंट, जबकि सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस में हमने स्लाइटली यानी कि प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो आज मुख्तलिफ यानी कि जो मुख्तलिफ न्यूज़ चलती रही मार्केट के अंदर, सबसे पहले अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से न्यूज़ चलती रही कि IMF के प्रोग्राम जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तमाम तर यानी कि जो शराइत थी उसको पूरा कर दिया गया है और एक्सपेक्टेशन है 1-2 दिन के अंदर, जो अब जो हॉलीडेज होंगे इसमें 1-2 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है कि प्रोग्राम यानी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का इजाफा हुआ 21-22%, जबकि यानी कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने सालाना $1,00,000 पाकिस्तान लाने की स्कीम भी खत्म कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान किसी भी टाइम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है और ये साल की सबसे बड़ी खबर थी कि डेडलॉक खत्म हो गया, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए 90% शराइत मुकम्मल कर ली गई है। इस तरह की न्यूज चलती रही और साथ ही ये भी चलता रहा कि एक और रूसी जहाज तेल लेकर मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा, यानी कि आज यानी पहुंच गया, एक तरह से इस तरह की भी न्यूज चली। तो खैर पाकिस्तान के हवाले से जो IMF के जो MD है उन्होंने भी पाकिस्तान की कोशिश को सराहा है और इसका एतराब भी किया, तो ये सारे प्लस पॉइंट थे। नेगेटिव साइड पर देखें तो शिंगाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक को खरीदने की जो पेशकश की थी वो वापस ले ली। अच्छा, मार्केट के दौरान हमने देखा कि लास्ट आधे घंटे पहले 15-20 मिनट पहले हमने एक प्रेशर देखा, मार्केट 150 पॉइंट प्लस परफॉर्म कर रही थी और फिर एक प्रेशर आया। प्रेशर आने की वजह यह थी कि लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स साल 2022 के निफास को कानूनी करार दे दिया, जो कि पहले कानूनी करार नहीं दिया था, उसकी वजह से कंपनीज परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे निफास किया उसके बाद हमने प्रेशर देखा। उसके साथ ही उसकी जब वजाहत हुई तो उसके साथ साथ चीजें क्लियर भी हुई कि FBR के देखा जाए तो अदालत ने बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स का रेट 10 से कम करके 4% कर दिया, ये प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से फिर हमने रिकवरी भी देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी तो शिंगाई इलेक्ट्रिक के हवाले से न्यूज थी। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन अगर देखा जाए तो $68.11 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि हम मुसलसल कहते रहे कि 72 से अबव ट्रेड करेगा तो तेजी है, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा, क्योंकि ग्राफ वाइज नेगेटिव है। इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $68 के पास, 69-70 तक जाता है तो सैनोन स्ट्रेंथ के ऊपर है, जब तक 70-50 का लेवल मेंटेन नहीं करेगा तेजी नहीं है, 67 से लेकर 66 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके गोल्ड में $4 की कमी है, जबकि सिल्वर में अगर देखा जाए तो 7 सेंट का इजाफा, लेकिन गोल्ड सिल्वर
बार डिक्लाइन साइड पे जा चुके हैं और मजीद डाउन हो सकते हैं, तो जो भी अपसाइड मिलती है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41635, हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 41055, हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट चूंकि इस वीक के अंदर दो दिन थे तो मार्केट अगर देखा जाए तो 482 पॉइंट ओवरबोर्ड के साइड पे क्लोज रही है। लास्ट वीक के हिसाब से 750 पॉइंट थी लेकिन इस वीक के हिसाब से 482, इसी वजह से हमने देखा कि हायर पे जाके प्रॉफिटिंग नजर आती थी, और जबकि साल के हिसाब से देखें तो 1540 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर यानी कि परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजिशन, तो देखिये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल मार्केट आपकी ओवरबोट थी, 1370 पॉइंट गेन कर चुकी थी आज, इसलिए लाजमी था कि स्टार्टिंग में मार्केट पहले अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करे, और वही एडजस्टमेंट हमने 200 पॉइंट की सूरत में देखी, फिर बाद में हमने मार्केट में रिकवरी भी देखी। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ अगर देखा जाए तो ओवरसोल्ड की साइड की पोजिशन पर आ चुकी है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट डिक्लाइन साइड पर जाएगी, अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 41,000 यानी 600 से लेकर 900 का लेवल यानी टेस्ट कर सकती है। मार्केट के हिसाब से अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो नो डाउट मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो प्लस डॉजी कैंडल क्लोज रही है, और जो कल भी एक हाई पॉजिटिव थी और आज हमने स्लाइटली पॉजिटिव देखी, तो इंशाल्लाह ये जो रैली होगी उसको कंटिन्यू हम होता हुआ देखेंगे। अगर 100-200 पॉइंट डिप आ जाती है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है और जो न्यूज है जो सराउंडिंग में न्यूज है वो सारी पॉजिटिव है। अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता है तो मार्केट को मजीद यानी अप्रिसिएशन मिलेगी, और साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि वीकली और मंथली क्लोजिंग किस तरह से रही है, तो उसकी वजह से भी इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है, और आने वाले जो जुलाई के अंदर मार्केट एक अच्छा परफॉर्म एक अच्छा पुल बैक कर सकती है। तो डे के चार्ट के ऊपर अगर हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वो 40,500 का लेवल है। इंडेक्स की अगर हम वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखें तो बेहतरीन क्लोजिंग रही है। लास्ट वीक में तकरीबन हमने देखा कि 1245 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया, इस वीक में मार्केट ने 1236 पॉइंट का गेन किया और ऑलमोस्ट कैंडल बराबर हो चुकी है, और मार्केट के जो टेक्निकल ग्राफ है हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट वीक के अंदर नजर आ सकती है। मंथ के एतबार से देखें क्योंकि मंथ की भी क्लोजिंग रही है इस वीक के अंदर, तो मंथ के हिसाब से भी मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी बेहतर और अच्छी क्लोजिंग रही है, लेकिन मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास 42,400 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगी तो नो डाउट मार्केट में जो बातें होती हैं कि 44 हो जाएगी 45 हो जाएगी वो 42,400 के बाद होगी अगर लेवल मेंटेन कर जाएगी। तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर है, और डे के चार्ट पर काफी मार्केट बेहतर क्लोज रही है। आने वाले वीक के अंदर मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, जिसमें जो सेक्टर परफॉर्म करेंगे, अच्छा इस पूरे जो IMF के प्रोग्राम के अंदर जो सबसे ज्यादा सेक्टर ने एडवांटेज उठाया है वो ऑटो सेक्टर ने उठाया, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरा भी ऑटो सेक्टर था और सबसे ज्यादा बढ़ना भी ऑटो सेक्टर का ही था। इसलिए आज भी हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में जी चेन्नई यानी कि गेल जिसका नाम हो चुका है, इसके अलावा PSMC साजियो, इन सब में हमने इजाफा देखा। इसके अलावा ये सेक्टर अब भी तेजी की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि LCs ओपन होने से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये सेक्टर है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए फार्मास्यूटिकल्स भी आपके आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, इनमें एक्यूमुलेशन यानी कि हो रही है। हैस्कोल के वाले से अगर देखा जाए तो आज हैस्कोल में कुछ यानी कि 5-5.5 के दरमियान एक्यूमुलेशन थी, और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में 6.5-7.5 तक मूव कर सकता है। इसके साथ ही स्टॉप लॉस इसका जो बनता है वो 4.75 का बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज भी हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि TPLP वर्क करेगा, PPL वर्क करेगा, OGDC TRG चलेंगे, और कुछ टाइम के बाद हमने इनमें तेजी भी देखी। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है, किस सेक्टर्स में गिरावट होने वाली है, इसके साथ ही अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके अलावा अब जो हॉलीडेज है ईद की, आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना बहुत खास ख्याल रखें और कुर्बानी बहुत अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी करना और आपके नेक अमल को यानी कि कबूल करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।